हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड वेलकम टू ADTech। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गूगल मैप है उसमें कुछ नए अपडेट आने वाले हैं जल्दी। अभी फिलहाल तो ये बीटा टेस्टिंग में चल रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये अपडेट जो है आपको मिल जाएगा। तो इस नए अपडेट में आपको क्या फीचर्स मिलने वाला है इसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरा चैनल ADTech, जहाँ पे मैं ऐसे ही एप्लीकेशन गेमिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को हिंदी में अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल ADTech को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल मिलेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आप उसे देख सकोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको मैं बता दूं कि जो ये मैप्स का एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको कोई भी इसमें अपडेट दिखाएगा नहीं, जो कि आपका जो भी लेटेस्ट अपडेट हुआ रहेगा तो उसमें आपको जो है अपडेट नहीं आया होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम होता है उसे एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पे नीचे जो लिखा है कि बिकम अ बीटा टेस्टर, इसमें आपको IM IN करना होगा, जिससे क्या होगा कि आप इस जो नए अपडेट है उसे आप टेस्ट कर सकते हो, यानी आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसे IM IN करते हैं, आपको कुछ टाइम बाद जो है इस गूगल मैप के नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट का जो एप्लीकेशन है उसमें एक अपडेट मिल जाएगा। उसके लिए 1 या 2 मिनट का टाइम लगता है, तो उसके लिए आप वेट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं बीटा टेस्टर में जो मुझे अपडेट है वो आ चुका है। तो मैं इस एप्लीकेशन यानी गूगल मैप को जो है अपडेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या नए फीचर्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो चुका है। इस नए अपडेट में आपको क्या मिलता है कि इसमें कुछ बग्स को फिक्स किया गया है, साथ ही जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया में जब आप गाड़ी पार्किंग करते हैं उसे भी एक एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड किया गया। मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी पब्लिक एरिया ट्रांसपोर्ट में अगर अपना गाड़ी पार्क करते हो, या कोई भी ट्रैफिक की यानी कोई भी जो कंपनी से या एयरपोर्ट में जहाँ पे बहुत सारी गाड़ी पार्क हुई होती है वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करते हो, तो आप जब भी अपने काम करने के बाद आप आते हो और गाड़ी को ढूंढते हो तो उसमें क्या है बहुत सारा टाइम जाता है, क्योंकि आपको गाड़ी ढूंढने में कभी कभी टाइम चले जाता है और मिलती भी नहीं है गाड़ी। तो फिर आपको जो ये नया फीचर्स ऐड किया गया ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इसमें क्या होता है कि आप जब भी अपना गाड़ी पार्क करते हो उसमें सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपका जो GPS है उसे ऑन करना होगा, उसके बाद आपको ये ब्लू डॉट की उस पर आपको ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको एक नया एक फीचर दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कि सेव योर पार्किंग, जो कि 3rd नंबर पे, उसे आपको क्लिक करना होगा, जिससे आपका क्या होगा कि जो पार्किंग आपने गाड़ी पार्क किया है वो सेव हो जाएगा ये लोकेशन पे। तो उसके बाद आप जहाँ भी जाते हो उसके बाद आप रिटर्न आते हो तो आपने कहाँ पे गाड़ी पार्क किया है ये आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल जो है अपडेट किया गया है मैप में। तो ये जो बीटा टेस्टिंग का जो अपडेट है ये इसे आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर ये अपडेट जल्दी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स या फैमिली में। तो मेरे वीडियो को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल ADTech को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।